अक्टूबर 2023 में क्रिकेट को वर्ल्ड कप होना है। यो वर्ल्ड कप टीम इंडिया के लिए बहुत ही खास है और ये वर्ल्ड कप का खास होने की वजह यह है कि यो वर्ल्ड कप टीम इंडिया का बहुत से सुपरस्टार को लास्ट वर्ल्ड कप है। यो बयान मैं कुंजे रहो, यो बयान पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली का बयान है। सौरभ गांगुली 2023 का वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की बहुत सी बातें बताई हैं और सौरभ गांगुली यो वर्ल्ड कप बहुत से खिलाड़ियों को लास्ट वर्ल्ड कप बताया है। तो चलो वीडियो में बात करते हैं कौन कौन से खिलाड़ियों को यो लास्ट वर्ल्ड कप है। तो वीडियो पूरा जरूर देखियो और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करके भी जाओ। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आवा है रोहित शर्मा को। अगर बात करें रोहित शर्मा के बारे में तो रोहित शर्मा टीम इंडिया में 23 जून 2008 में डेब्यू करो और उस टाइम पर टीम इंडिया कप्तान राहुल द्रविड़ो। रोहित शर्मा ओडीए में डेब्यू करने के बाद में बहुत सी उपलब्धि हासिल करी है। ओडीए को सबसे हाईएस्ट स्कोर 264 रन भी रोहित शर्मा के नाम ही है और टीम इंडिया की ओर से रोहित शर्मा हाईएस्ट ओडीए स्कोरर है। और इतना ही नहीं, रोहित शर्मा अब तक ओडीए में 3 बार दूरशतक जमा चुके हैं। इन दूरशतक में से 2 बार रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया खिलाफ और 1 बार श्रीलंका खिलाफ दूरशतक लगाए हैं। रोहित शर्मा का ओडीए करियर के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा अब तक 244 ओडीए में 9837 रन बनाए और एशिया कप में रोहित शर्मा से उम्मीद है कि रोहित शर्मा आपका 10,000 रन पूरा कर लेसी। लेकिन 2023 को वर्ल्ड कप रोहित शर्मा को लास्ट वर्ल्ड कप पहुंच गए यह बात तो सौरभ गांगुली भी बता दी, क्योंकि अगले वर्ल्ड कप 4 साल बाद में होना है यानी 2027 में ओडीए वर्ल्ड कप होगा। तब तक ओडीए में रोहित शर्मा को खेलना मुश्किल है, लेकिन रोहित शर्मा T20 खेल तो रह सके। एक के बाद में दूसरे खिलाड़ी के बारे में बात करा तो वो नाम है विराट कोहली को। विराट कोहली आपके क्रिकेट करियर में बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी की किस्मत में कभी भी ट्रॉफी नहीं आई, फिर चाहे बात करें आईपीएल में या फिर अपनी कप्तानी रूप में। लेकिन हाँ, लास्ट बार विराट कोहली धोनी की कप्तानी में 2011 की ट्रॉफी उठाई ही, तो ये बार भी टीम इंडिया से उम्मीद है कि विराट कोहली के लिए टीम इंडिया एक ट्रॉफी तो जीत के दिखावे। टीम इंडिया ने लगभग 10 साल होगा कोई भी आईसीसी ट्रॉफी जीता, तो यो वर्ल्ड कप विराट कोहली को लास्ट वर्ल्ड कप पहुंच गए। विराट कोहली अब तक ओडीआई के 275 मैच में 12,898 रन बनाई और विराट कोहली टीम इंडिया ने बहुत सी बार मुसीबत से निकाली है। तो विराट कोहली का संन्यास लेने के बाद में यह टीम बहुत ही अधूरी जाएगी, लेकिन यो ओडीआई वर्ल्ड कप विराट कोहली को लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप पहुंच गए। एक बाद में तीसरे खिलाड़ी के बारे में बात करा तो बिल्कुल नाम है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी 6 जनवरी 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई डेब्यू करे हो और मोहम्मद शमी को यो वर्ल्ड कप लास्ट वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि मोहम्मद शमी की एज बहुत ही ज्यादा होगी। मोहम्मद शमी के बाद में अगले चौथे खिलाड़ी के बारे में बात करा तो वो नाम है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह का स्नैच लेने की उम्मीद कम है, लेकिन जसप्रीत बुमराह पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा चोटिल रहने लगा। तो अगर बुमराह 2027 तक फिट रहे हो तो बुमराह 2027 को वर्ल्ड कप जरूर खेल लगो। बुमराह का अगर ओडीआई करियर के बारे में बात करा तो बुमराह अब तक 72 ओडीआई में 131 विकेट आपका नाम करेंगे। इन 4 खिलाड़ी के अलावा शिखर धवन भी एक खिलाड़ी है जो 2027 तक स्नैच ले सके और शिखर धवन के साथ साथ भुवनेश्वर कुमार भी स्नैच की घोषणा कर सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो चोखा लगे हो तो वीडियो लाइक करियो और हाँ, चैनल ने सब्सक्राइब करके जरूर जाओ और चैनल ने सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो अपने दोस्तों ने शेयर जरूर करियो।